हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। द्रौपदी को पांच पति मिले थे, यानी पांच पतियों की पत्नी द्रौपदी को पांच पति क्यों मिले थे, क्या आपको इसका अंदाज़ा भी है? आज मैं द्रौपदी का उदाहरण देकर आप लोगों को कौन सी महत्वपूर्ण बात समझाने जा रही हूँ, आइए अब मैं आपको अपने वीडियो का टाइटल देना चाहती हूँ। मेक योर सेल्फ एलिजिबल टू गेट वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम कल्कि अवतार, यानी ईश्वर उन्हीं को वो चीज देते हैं जिसके लिए उसे वो योग्य समझते हैं। द्रौपदी को भी पांच पतियों का वरदान मिला था भगवान शिव से। शिव की तपस्या की थी और उस तपस्या में, अपनी प्रेयर में, उन्होंने पांच गुण ऐसे मांगे थे जिनका समावेश एक इंसान में होना दुर्लभ था। इसलिए द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पांच पतियों का वरदान दे दिया। मांग तो लिया और दे भी दिया, सारे गुण उन्हें मिल गए, लेकिन एक पति के बजाय पांच पांच पति। जब उन द्रौपदी ने कृष्ण से इस बात का रहस्य पूछा, उन्हें समझ नहीं आया कि वास्तव में भगवान शिव ने, उनका जो साकार स्वरूप है शंकर भगवान ने, उन्हें पांच पतियों का वरदान क्यों दे दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया था कि तुमने पांच गुण मांगे थे जिनका समावेश एक इंसान में होना मुश्किल था, इसलिए तुम्हें, तुम्हारी तपस्या ऐसी थी कि उनसे प्रसन्न हो गए और तुमने वरदान मांगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ऐसे पांच गुण मांगे जो कि तुम्हारे पांच इंसानों में थे, इसलिए तुम्हें पांच पतियों का वरदान मिला और अब तुम्हारी शादी पांच लोगों के साथ। अब इस उदाहरण से मैं आप लोगों को यह समझाना चाहती हूं कि आज जो अस्थिरता का माहौल है उसमें हर कोई देख रहा है उस अवतारी पुरुष की ओर जिसका नाम है कल्कि अवतार। जरा सा भी डिस्टर्बेंस लाइफ में आए तो लोग प्रेयर करना शुरू कर देते हैं और कल्कि अवतार के मंदिरों में जाकर, जहाँ जहाँ पर कल्कि अवतार के मंदिर बन गए हैं और बहुत लोगों ने कल्कि अवतार के मंत्र का उपचार, मंत्र का जाप करना भी स्टार्ट कर दिया है ताकि उनके जीवन से दुख दूर हो और सुख की कामना, जिसके लिए वो प्रेयर कर रहे हैं, सुख का समावेश उनके जीवन में हो जाए। लेकिन याद रखिए आप एक बात हमेशा, द्रौपदी के उदाहरण से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी मत मांग लीजिएगा जिसका आपको भी बाद में पछतावा हो, क्योंकि आज के युग में प्रेयर का बहुत अधिक महत्व है। यदि सच्चे दिल से आपने ईश्वर से प्रार्थना की और आप उस योग्य हुए तो आपको उस चीज का मिलना निश्चित है। लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड कल्कि अवतार के सामने मत रख दीजिएगा जिसके लिए भगवान भी आपको ना दे पाए, और फिर हम ईश्वर को कोसने लगते हैं और बदनाम करने लगते हैं कि मैंने तो आपकी बहुत पवित्र ढंग से, बहुत ही भक्तिपूर्ण ढंग से पूजा की, लेकिन आपने मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं की। सोच समझ कर और पहले अपने आप को एलिजिबल बनाइए, उस योग्य बनाइए, क्योंकि कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि ईश्वर जब देता है छप्पड़ फार कर देता है और राजा को रंग बनाने में भी उसे देर नहीं लगती, और वो दे भी सकता है, वो ले भी सकता है, यानी गिवर भी वही, टेकर भी वही। कल्कि अवतार के हाथों में चूंकि कलयुग का फैसला है, हर इंसान को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो भी उसके नसीब में होगा मिलेगा, तो आप भी, हम भी अपने आप को क्यों ना इस काबिल बना ले कि हमें जो चाहिए वो कल्कि अवतार से मिल जाए, क्योंकि उनके हाथ में ही उस डिवाइन ने पावर सौंपी है। तो हम
अपने आप को पहले उस योग्य बना लें कि हम जो चाहें हमारी मनोकामना पूर्ण हो। क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप जो चाहें वो आपको मिल सकती है, चीजें आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन आप असंभव चीज मत मांगिए। ऐसी कोई चीज ईश्वर से मत मांग लीजिए जो आपको वो दे ना सके, फिर आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। फिर आप कहेंगे जब दे ना सके तो ईश्वर कैसे? लेकिन याद रखिए, ईश्वर तो उतना ही देंगे जिसके लिए आप काबिल हैं। मान लीजिए आपने एक ग्लास हाथ में लिया या एक छोटा सा मटका लिया, मटके में पानी कितना आता है? क्या ग्लास में जितना पानी आता है उतना ही पानी आप मटके में भरते हैं? नहीं, मटके की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मटके में पानी आता है, ग्लास के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्लास में पानी आता है। क्या आप एक मटका पानी ग्लास में डाल देंगे? वो पानी पूरा गिर जाएगा, बिखर जाएगा। और अगर एक ग्लास पानी आप मटके में डालेंगे तो मटके की हैसियत कहाँ रह गई? मटके का इम्पोर्टेंस फिर कहाँ रह गया कि सिर्फ मटका नाम का रह गया और एक ग्लास पानी ही उसके अंदर है? तो इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि योग्यता के अकॉर्डिंग ही कल्कि अवतार भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें और आपको अपने आप को पहले तैयार करना होगा उस चीज को पाने के लिए। यूनिवर्स तभी हमें उस चीज से मिलवाती है या हमें प्रदान करती है, वो चीज देती है हमारे हाथों, जब हम उस चीज को संभालने के लायक हो जाते हैं। क्या एक छोटे से शिशु की कभी शादी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि शिशु को, बालक को बाल विवाह तो है, लेकिन मैं शिशु की बात कर रही हूं। शिशु यानी जो बाल्यावस्था में भी नहीं है, तो प्रकृति ने उसकी शादी का नहीं रचा है खेल, क्योंकि उसे पता है कि वो शिशु है। अभी तो वो बाल्यावस्था से भी पहले की अवस्था में, शिशु अवस्था में, उसे तो कुछ भी पहचान नहीं है, उसे तो कुछ भी जानकारी नहीं है। तो शादी की अवस्था कब आती है? जब इंसान उस चीज को समझने लगता है। पहले बाल विवाह होते थे, अब उस पर भी कंट्रोल कर दिया गया है। तो जब तक इंसान उस लेवल का नहीं बन जाता, तब तक वो चीज उस इंसान को नहीं मिल सकती। यूनिवर्स ने भी इसी चीज को डिसाइड किया है, यानी जब तक उस चीज को पाने का सही समय और हमारी योग्यता नहीं होती है, तब तक यूनिवर्स भी हमें वो चीज नहीं प्रदान करता है। आम के पेड़ पर क्या कभी लौकी को लटकते आपने देखा है? क्या कभी लौकी जिस तरह से लटकती है वैसे आपने आम के लौकी के पेड़ पर लटकते हुए देखा है? क्योंकि लौकी का पेड़ नहीं होता है, बल्कि लौकी के पेड़ को हम क्रीपर्स कहते हैं। पतली पतली उसकी डंठियां होती है जिसमें कि लौकी लगती है। आम का पेड़ या नारियल का पेड़ जो खड़ा रहता है, उस तरह के बड़े बड़े पेड़ लौकी के नहीं होते। तो लौकी को यथास्थान यथा जगह, और आम को भी यथास्थान यथा जगह, यानी जिसे जहां होना चाहिए और जब होना चाहिए यूनिवर्स उसी तरह डिसाइड करती है। तो हम भी जब उस काबिल बन जाते हैं, हम जिस चीज की चाहत रखते हैं, वो चीज हमें तब यूनिवर्स की तरह से मिल जाती है, डेफिनेटली मिलती है। चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और कोशिशें उस काम को, उस चीज को पाने के लिए हमारी तरफ से 100% होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश नाकामयाब भी नहीं होगी और हम जीवन में सक्सेसफुल भी होंगे। तो बनाइए अपने आप को एलिजिबल। यदि आप किसी चीज की मनोकामना कल्कि अवतार के सामने रखते हैं, डेफिनेटली आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन आपको अपने आप को उस चीज के लिए पहले तैयार करना होगा, योग्य बनाना होगा, ताकि उस चीज को आप संभाल सकें। नारियल टूटकर यदि बिल्डिंग की छत पर गिरेगा तो क्या बिल्डिंग की छत टूटेगी? नहीं। लेकिन अगर एक झोपड़े के ऊपर गिर गया तो क्या होगा? टूट जाएगी ना झोपड़ी।
वैसे ही कहां पर किसको कौन सी चीज देनी है और किस प्रकार देनी है, प्रकृति पहले हमें उस लेवल के लिए तैयार करती है, उस चीज के लिए तैयार करती है। और जब हम एलिजिबल हो जाते हैं तब हमें प्रकृति की ओर से वो उपहार मिल जाता है। तो यदि कल की अवतार से भी आपको कुछ पाना है तो आपको भी अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, ताकि आप निसंकोच भाव से प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर दी जाए। लेकिन समय लगेगा, विश्वास रखिए, उसके लिए थोड़ी सी सहन शक्ति आपके अंदर भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।